हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मेटामेरिज्म की कि मेटामेरिज्म क्या होता है। देखिए, इसके लिए हम एक एग्जांपल लिखते हैं, वेरी सिंपल सा एग्जांपल लिखेंगे। ईथर ग्रुप हमने लिया हुआ है, ओके, यहाँ पर सी एच टू लगना चाहिए। एक तो ये कंपाउंड है, ओके, बिल्कुल कार्बन के नंबर भी सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। और एक ये कंपाउंड है, ओके, जरा यहाँ पर देखिए इसका नाम क्या होना चाहिए। ये भी एक इथाइल ग्रुप है और ये भी एक इथाइल ग्रुप है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H5 O C2H5, ओके। इसका नाम क्या होना चाहिए, डाई इथाइल ईथर, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इथॉक्सी इथेन, ओके। ये इसका IUPAC नेम हुआ और ये इसका कॉमन नेम हुआ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो C4H10O। यहां पर देखिए इसका नाम क्या होना चाहिए, मेथॉक्सी प्रोपेन, ओके। दोनों ही कंपाउंड बिल्कुल अलग अलग हैं, या फिर आप बोल सकते हो मिथाइल प्रोपाइल ईथर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका आप देखेंगे तो C4H10O। तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, ओके, फंक्शनल ग्रुप के। लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है उसके जो पास में कार्बन है वो अरेंजमेंट अलग अलग है। तो हम लिख सकते हैं द फिनोमिना इन विच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज सेम बट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम नियर द फंक्शनल ग्रुप नियर द फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट, ओके। ऐसे आइसोमेरिज्म को हम क्या कहेंगे, ऐसे आइसोमेरिज्म को हम कहेंगे मेटामेरिज्म, कि जब फंक्शनल ग्रुप सेम लगा हुआ है, कार्बन के नंबर भी सेम है, बस फंक्शनल ग्रुप के आसपास जो कार्बन के एटम हैं उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, देन इट इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं हम, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास में कीटोन ग्रुप है, ओके, पांच कार्बन हमने लगा रखे हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, और एक कंपाउंड ये है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH। देखिए इस कंपाउंड का नाम क्या होना चाहिए, पेंटेन टू ऑन। इस कंपाउंड का नाम होना चाहिए पेंटेन थ्री ऑन, ओके। लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है उसके आसपास कार्बन के जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग है, इसीलिए ऐसे आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। और ये जो कंपाउंड है इनको हम बोलेंगे दे आर द मेटामर्स ऑफ ईच अदर, ओके, इनको और इसको हम क्या बोलेंगे, मेटामर्स। तो ये हुआ मेटामेरिज्म के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे व्हाट इज टोटोमेरिज्म। तो जल्दी से फटाफट से इसको नोट कर लीजिए।